इक्विलिब्रियम आपने सुना होगा, इक्विलिब्रियम वर्ड फोर्थ चैप्टर में बहुत यूज हुआ। और जहां जहां इक्विलिब्रियम यूज हुआ, मैंने हमेशा क्या बोला, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सिर्फ यही कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम की, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम तीन किस्म के हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एक बॉडी की नेट फोर्स जीरो और वो तीन किस्म से, कैसे? इक्विलिब्रियम का पहला टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा टाइप है अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। और मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन पूछने वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, इक्विलिब्रियम वर्ड पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो हमेशा मेंशन करेगा स्टेबल या अनस्टेबल, या आपसे पूछेगा कि बताओ इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे पहचानते हैं स्टेबल अनस्टेबल, पहले थ्योरी में फिर मैथमेटिकली। थ्योरी में समझाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ, एक लाइन में एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ स्टेबल अनस्टेबल में क्या अंतर है। इमेजिन करो आपके पास एक पेंडुलम है, ये रहा बॉब, ये रेस्ट पे है, इसको मत छेड़ो, ये सारी उम्र ऐसी रहेगा। तुमने इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन खराब कर दी, छोड़ दी, छेड़ दिया, छोड़ दिया, अल्टीमेटली ये वापस वहीं पे आके रुकेगा। ऐसा ही हुआ। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से फिर नोट करना इक्विलिब्रियम का, कि सपोज करो आपके पास एक वॉल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, और इस वॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मान लो एक रॉड है, इस रॉड के कोने पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है ऐसे, और ये हिंज्ड है, पेच लगा हुआ है, ये फ्री टू मूव है, रोटेट कर सकता है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, पॉजिटिव दीवार ने, नेगेटिव दीवार ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट किया। इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मान लो 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स बोलो इनमें क्या है, जीरो, ना ही इधर ना ही इधर, कहीं नहीं जाएगा, नेट फोर्स जीरो। हम बोल सकते हैं पूरा सिस्टम किसमें है, इन इक्विलिब्रियम में, सही है। अब एक और एग्जांपल नोट करो इक्विलिब्रियम का, सेम दीवार है लेकिन इस बार यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, उल्टा ओरिएंटेशन है। अब क्या हुआ इसमें, इस नेगेटिव ने नेगेटिव को यहां फोर्स लगाई और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को यहां फोर्स लगाई, और कितनी लगाई, फिर से 10 और 10 न्यूटन फोर्स लगाई, नेट फोर्स बोलो कितनी है, जीरो। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, दोनों इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान से देखना, इनमें से एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, बोलो स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला अनस्टेबल है। कैसे पता लगा, कैसे तुम्हें कैसे दिख रहा है अनस्टेबल है, वो तो रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम कौन सा मूव कर रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, ऐसे मूव थोड़ी ना करना है। तुम कैसे कह सकते हो नीचे वाला अनस्टेबल है, तुम्हें अच्छा ना लगा इसलिए, कैसे? देखो आप शायद बोल नहीं पा रहे, आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर मैंने इसको छेड़ दिया, घुमा दिया हल्का सा, तो ये वापस ऐसे मिलेगा आपको, आप हिला के देखो इसे, ये वापस ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको हिला दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, ये वापस कभी नहीं आएगा। इसको हिला के तो देखो, इसको हल्का सा भी हिला दिया ना, ये बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा, जबकि दोनों के दोनों बिना टच किए किसमें थे, इन इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल सुनो, स्टेबल की डेफिनेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है और अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा, तो वो स्टेबल है। और अगर आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और ये कभी वापस ना आएगा इस पोजीशन पे, नई पोजीशन एक्वायर करेगा जो इसकी स्टेबल की इक्विलिब्रियम है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है, ये पहली निशानी क्या है इसकी, अनस्टेबल में तो आपने इक्विलिब्रियम खराब किया, वो वापस नहीं आएगी सिचुएशन, वो गई, और स्टेबल में अगर आपने डिस्टर्ब किया वापस आ जाएगी। पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल में तो कुछ चक्कर ही खत्म है। मान लो एक कोन है, कोन लेटा हुआ है फर्श पे, तो आपने कहा कोन को, तो रेस्ट पे है, कोन कहता हाँ मैं रेस्ट पे हूँ, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, बात खत्म। कहता देख मैं तेरे को हिला के दिखाता हूँ, तो तुमने इसको हिला दिया,
कौन कहता हिला दो, मैं इधर आके लेट जाता हूँ, मेरे को कोई फर्क ना पड़ता, मैं तब भी इक्विलिब्रियम, अब भी इक्विलिब्रियम, मेरी मेरे को जहाँ रखोगे मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से सेम ही तो है मेरी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा मेरा तो कुछ भी। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, जहाँ रखोगे वहीं बैठ जाएगा, तो न्यूट्रल है ना, इसको पुरानी सिचुएशन चाहिए ना नहीं चाहिए, जो रखोगे वहीं पड़ा रहेगा, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल अनस्टेबल पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रल पे नहीं आते। तो स्टेबल अनस्टेबल समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? नेट फोर्स तीनों पे जीरो है, नेट फोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वापस आएगा, ये नहीं आएगा, ये स्टेबल या अनस्टेबल, ये तो है एक थ्योरी के डेफिनेशन। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव इस थ्योरी के बेस पर नहीं चल पाएंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेक्निकल डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। पहली कंडीशन, किसी भी टाइप की इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन है, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की यह कंडीशन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। आप कहोगे कैसे? आप ये करके आए हो, आप रोज करते हो ये, आपको वो कैसे? केमिस्ट्री क्लास को याद कर लो, केमिस्ट्री के टीचर रोज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर नीचे गिर गया और स्टेबल हो गया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करेगा, ऐसे बोलते हैं ना, जब वो स्टेबल होता है एनर्जी मिनिमम हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और अगर अनस्टेबल है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है? तो ये इसकी मैथमेटिकल कंडीशन है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि एनर्जी के साथ कैसे डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी में तो चलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव तो इससे चलेगा, आपको देखना होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है? नेट फोर्स तो जीरो है और एनर्जी मिनिमम है। अब जिनको मैक्सिमा मिनिमा याद है, देखो ये पेपर में आता नहीं पर फिर भी दो लाइनें बताना चाहता हूँ, आएगा नहीं, कि अगर आप किसी भी चीज़ को मिनिमम करते हो तो उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। याद करो, लिखवाया था मैंने मैक्सिमा मिनिमा में। और अगर आप किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करते हो तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या आता है? नेगेटिव। तो ये मैथ्स, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो और एनर्जी मिनिमम, किसी भी चीज़ को मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, मैथ्स भी सही चल रहा है, फिजिक्स भी सही चल रही है, और क्योंकि एनर्जी मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। मैथ्स और फिजिक्स कंबाइन हो गए। अनस्टेबल के अंदर एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। किसी भी चीज़ को मैक्सिमा या मिनिमा करना है उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, मैथ्स भी सही है, और मैक्सिमा का मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, और न्यूट्रल में डबल डेरिवेटिव जीरो, ये इसकी कंडीशंस हैं। अब जैसे पेपर में क्या आएगा, वो आपको एफ देगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी, आपको फोर्स देगा, फोर्स एक्स के साथ चेंज हो रही है, वो कहेगा एक्स की वैल्यू बताओ जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एफ की वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, आप इस एफ को जीरो पुट कर देना, कोई डिफ्रेंशिएट मत करना, फोर्स तो दे ही रहे, एफ को जीरो कर देना, जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू, इतनी एक्स की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर क्वेश्चन चेंज कर देगा, अब की बार आपको यू देगा और कहेगा फोर्स निकाल लो, कंजर्वेटिव सिस्टम है तो आप फॉर्मूला लगा लेना, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करना, फोर्स आ जाएगी। फोर्स निकाल के कहेगा फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो तुम जो फोर्स निकालोगे उसको इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू पे क्या आ गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन, सही है। फिर वो कहेगा चेक करो इस 1/3 पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल क्या है। फिर एक काम करना, आपको क्वेश्चन में यू पता है, आप अब कुछ मत करना, यू को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, ये आंसर आएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना तो ये आंसर आएगा, ये आंसर क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल है। ऐसे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव तो आता नहीं है पेपर में, सिंगल डेरिवेटिव यहां तक आता है, यहां तक तो आ सकता है कि वो आपको यू दे, आप एफ निकालो, एफ को जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी फॉर इक्विलिब्रियम।